अस्सलाम वालेकुम, शाहीन टीवी ब्रेकिंग न्यूज में आप सबको खुश आमदीद। नूर मुकद्दम के इंसाफ के लिए इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज, नूर मुकद्दम के अहले खाना भी एहतजाज में शरीक। मुकद्दम के वालिद कहते हैं, मुझे हर सूरत इंसाफ चाहिए, मैं वज़ीरे आज़म इमरान खान और चीफ जस्टिस का भी शुक्रगुजार हूँ जो इस केस को बड़े ही मुतहरिक अंदाज में देख रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं ये टेस्ट केस के तौर पर लिया जाएगा। मुझे मेरी बेटी के हवाले से हर सूरत इंसाफ चाहिए, बेटी बहुत ही नाजुक बोली बाली बेटी थी। मुकद्दम के वालिद तीर करते हुए आप दीदा हो गए। कहते हैं नूर मुकद्दम बड़े ही एहसास दिल की मालिक थी। एक मरतबा वो अपने भाई के साथ बाजार शॉपिंग करने गई थी तो उसका भाई कार से बाहर निकला तो नूर मुकद्दम ने देखा बाहर एक कुत्ता प्यासा है तो वो गाड़ी से बाहर निकली और उसे पानी पिलाना शुरू कर दिया। लोगों ने कहा ये आपको काट लेगा, वाड़ा कुत्ता है। नूर मुकद्दम कहने लगी ऐसा कुछ नहीं होगा, आप बेफिक्र रहिए। मुकद्दम के इसको लेकर मैं बहुत ज्यादा मुतहरिक हूँ, मुझे हर सूरत इंसाफ चाहिए। बाद में एहतजाज के दौरान मुकद्दम की वालिदा, उनकी बहन और भाई भी मौजूद थे। मुकद्दम के वालिद की गुफ्तगु सुनते हुए सारा मजमा आप दीदा हो गया। मुकद्दम के वालिद ने कहा सिर्फ मुल्जिम जाहिर जाफिर को नहीं बल्कि उन तमाम लोगों को भी इसमें सजा मिलनी चाहिए जो सारे अमल में मुलविस हैं। अहम नाजरीन मोहतरम, मुल्जिम जाहिर जाफर तो उसके वालिदैन इस केस के सिलसिले में अभी जेल में हैं। देखना है अदालत इस हवाले से क्या फैसला करती है। ताहम नाजरीन मोहतरम, इस हवाले से जो भी मजीद तफसीलात हैं हम अपने नाजरीन के साथ शेयर करते रहेंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक कीजिएगा, शाहीन टीवी को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली हमारी तमाम नई वीडियोज आपको मिलती रहे। यूँ ही आपको और हमारा साथ बना रहे, शुक्रिया।